हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, इस वीडियो में द्विघात समीकरण को अवलोकन विधि द्वारा हल करना बताऊंगा। यह अवलोकन विधि का मेरा दूसरा भाग है। इस विधि में हम अवलोकन विधि को और थोड़ा सा समझेंगे, किस तरह से हम अवलोकन विधि का उपयोग कर सकते हैं। विलोकनम विधि का वैदिक गणित में से विलोकनम कहा जाता है। आपके लिए दोस्तों ये नाम अजीब सा एक अलग सा होगा, लेकिन दोस्तों कई बार इसका हम उपयोग करते हैं, हमें विधि मालूम नहीं होती है, हम इसका उपयोग करते हैं। आज मैं इसको आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे हल करते हैं उसको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, विधि का नाम है, पहले वाले भाग में मैंने इसको बताया था, विधि को हम क्या बोलते हैं, विलोकनम विधि। इसका मतलब होता है हमारा अवलोकन द्वारा, अवलोकन विधि या अवलोकन से। अवलोकन को अगर मैं बताऊं तो अवलोकन का मतलब होता है हमारा शाब्दिक अर्थ, अगर हम बात करें तो देखकर। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण को देखकर हल करना है। दोस्तों आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि देखकर कैसे द्विघात समीकरण हल हो सकता है। हाँ दोस्तों, देखकर हमको उसको समझना है और अपना इसमें दिमाग लगाना है। मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसको देखकर कैसे हल करेंगे। दोस्तों मुझे ये सवाल दिया हुआ है और इसको मुझे हल करना है, एक द्विघात समीकरण है, इसको मुझे हल करना है। तो अगर मैं अब नॉर्मल विधि उपयोग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि x बटे एक्स धन दो है, x प्लस एक्स बटे एक्स धन दो बटे एक्स है, इसको मैं a मान लूँ तो ये मेरा एक बटे a हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण को हल करूंगा, वहां से a का मान आएगा, a का मान मैं इसकी जगह रखूंगा और वहां से मेरा हल आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना इसको ध्यान से देखते हैं और मैं क्या करूंगा, 89/40 को दो व्युत्क्रमों के योग के बराबर बनाऊंगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, दो व्युत्क्रमों का योग है, दो व्युत्क्रमों का योग। बाएं पक्ष जो है हमारा दो व्युत्क्रमों का योग है, तो हम दाएं पक्ष में भी दो व्युत्क्रमों का योग बना लें। अगर बाएं पक्ष में दो व्युत्क्रमों का अंतर होता तो दाएं पक्ष में भी हम दो व्युत्क्रमों का अंतर बना लेते। बस यही है हमारी विलोकनम विधि। हमें बाएं पक्ष में अगर दो व्युत्क्रमों का योग मिल रहा है तो दाएं पक्ष को भी हमें दो व्युत्क्रमों का योग बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कैसे इसको बनाते हैं। तो मुझे क्या करना है, अब इसका आप समझेंगे कैसे बनेगा ये, तो इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा तरीका बताता हूँ। 40 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड कर देने हैं। 40 के मैंने क्या किए, गुणनखंड। 40 के गुणनखंड 2×20 हो सकता है, 4×10 हो सकता है, 5×8 हो सकता है। ये मेरे 40 के गुणनखंड हो गए, है ना दोस्तों। अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे इस गुणनखंडों को इस तरह से करना है। अगर मैं इसको हल करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला भी स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो दो स्क्वायरों का सम। तो हमें ये देखना है कि ये ऊपर 89 है, इनमें से कौन से दो गुणनखंडों के वर्गों के योग के बराबर है। तो देखते हैं, एक एक करके मैं देख लेता हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा, अगर मैं ये गुणनखंड लेता हूं तो इसका वर्ग करता हूं 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और क्या देखता हूं, क्या ये मेरा 89 आ रहा है क्या। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 8 का वर्ग होता है मेरा 64, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 89, जो कि मेरा आंसर है। इसका मतलब ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, एक्स एक्स बटे दो धन एक्स धन दो बटे एक्स, मुझे इसको 89/5×8, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और 89 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इस तरह से ये टर्म लिख दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एक मेरा हो जाएगा 8/5 और दूसरा हो जाएगा मेरा 5/8। देखिए दोस्तों, ये मेरा दायां पक्ष दो व्युत्क्रमों का योग बनकर तैयार हो गया। दाएं पक्ष में मेरा दो व्युत्क्रमों का योग बनकर तैयार है।
अब बस मुझको क्या करना है, एक बार x बटे x धन दो को इसके बराबर करना है, एक बार इसके बराबर इसको कर देना है और हल कर लूंगा। 8 बटे 5 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेंगे, एक यहां पे ये हो जाएगा, दूसरा 5 बटे 8 हो जाएगा। बस मुझे हल करना है, 5x बराबर 8x धन का 16, और इसको हम यहां हल करेंगे, 8x बराबर 5x प्लस का 10। हल कर लेंगे, x का मान यहां से निकालेंगे, 3x बराबर का माइनस 16 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 16 बटे 3, और यहां से 3x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 10 बटे 3। दोस्तों मेरा सवाल खत्म। तो दोस्तों इसमें मेन पार्ट जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दो व्युत्क्रमों का योग होगा तो दो व्युत्क्रमों का योग बनाना है, और कैसे उसको बनाएंगे उसके लिए मुझे क्या करना है, हर में जो दिया हुआ है उसके गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को देखेंगे कि उनके वर्गों का, चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो हमें यहाँ पर माइनस लगा के इसको बनाना है, और हम देखेंगे कि इनका योग अगर अंतर है तो अंतर इसके बराबर होना चाहिए और जोड़ है तो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। दोस्तों आप इस विधि का प्रयोग करें, सवालों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।